मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। देवता सत्कर्म करने वालों को ही चाहते हैं। इसका स्पष्ट आशय यही है कि जो मानवोचित कार्य करता है, ईश्वरीय उद्देश्य के लिए जीवन यापन करता है, देवताओं की कृपा उसी पर होती है। देवता सोते हुओं से घृणा करते हैं। देवताओं की घृणा का अर्थ है जीवन की सारी दिव्यताओं से वंचित हो जाना। संसार देवत्व से वंचित व्यक्तियों के लिए नहीं है। ऐसे असुर प्रवृत्ति वाले लोग इस धरती की गोद से शीघ्र ही उठा दिए जाते हैं। उस समय तक भी जब तक उन्हें प्रकृति द्वारा बुहार नहीं दिया जाता, उनके लिए शोक संतापों में जलने के सिवा और कोई अधिकार नहीं रहता। प्रमाद, आलस्य और अज्ञान त्याग कर जागरण का वरण करो, प्रकाश और पावनता की ओर बढ़ो, जिससे कि मनुष्यता की सिद्धि हो और आत्मा का कल्याण। यह दिव्य जागरण हो किस प्रकार? इसका सरल सा उपाय यही है कि अपने वास्तविक स्वरूप में विश्वास किया जाए। आपने को उस परम पिता परमात्मा का पुत्र और प्रतिनिधि अनुभव किया जाए। अपने प्रति हीनता, क्षुद्रता और निकृष्टता की सारी भावना निकाल फेंकी जाए। ऐसा करते ही आत्मा में सन्निहित प्रकाश का निर्झर फूट उठेगा। सारा जीवन दिव्य चेतना से भरकर जाग उठेगा। आपने विशालता, व्यापकता और सुंदरता का बोध होगा। चारों ओर आनंद और अमृतता का आवास होने लगेगा। जीवत्व से ईश्वरत्व की ओर प्रगति होने लगेगी। अखंड ज्योति, अप्रैल 1969, पृष्ठ 22।